मैं गोपाल गिरी, लखीमपुर पोस्ट के स्पेशल सेगमेंट फिर से हैं मैदान में। हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी के कस्टा विधानसभा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला। 2022 के चुनाव की धुंधुम भी बच चुकी है और ऐसे में सभी संभावित और मौजूदा विधायक सहित सभी लोग अपनी अपनी चुनावी छवि बनाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। चूँकि एक बार पहले भी ये 5 साल इस क्षेत्र में विधायक रहे हैं, आइए जानते हैं कि उन्होंने पहले 5 साल किन बनबूतों के बीच में लोगों के बीच गए थे और विधायक बने थे और फिर कैसे जाएंगे। विधायक जी, सबसे पहले आप 2000 जब चुनाव लड़े थे तो किन बातों के साथ जनता के बीच गए थे? उस समय मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और जो हमने वादा किया था वो मैंने पूरा कराने का काम किया था। मैंने मितौली को तहसील बनाने का काम किया और हमने गांव को जनेश्वर मिश्र, गांव को लोहिया से सुविधाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए एम्बुलेंस और बहुत सी घटनाएं घटती थी, चोरी होती थी, उसके लिए 100 डायल भी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने धरातल पर उतारने का काम किया था। बच्चों को लैपटॉप भी देने का काम किया जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, इसलिए समाजवादी पार्टी को फिर से 22 में हम लोग उसी साथ संपूर्ण सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे और पूरे विश्वास के साथ जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। 2012 में जनता ने जीत का सहरा आपके सर पे बांधा था और 2017 में फिर उसी जनता ने आपको नकारा, क्या लगता है क्या कमियां रहीं? भाजपा के लोग इतना ज़्यादा झूठ बोल करके 15 लाख रुपया देने का वादा भी किया था और कुछ भी नहीं दे पाए, 5 किलो गले में सिमट के रह गए हैं। आज समाजवादी के पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, किसान परेशान है। किसान आज लगातार जिस तरीके से गायों को और सांडों से लोगों की जान जा रही है, फसल तो जा ही रही है। भंडवरा गांव में एक व्यक्ति ने सांड को भगाने का प्रयास किया और वो सांड ने उस व्यक्ति को तुरंत मार दिया और उसके बाद में हत्या हो गई। बहुत लोग परेशान हैं सांड और गायों से, जिसके लिए लगातार मैं देख रहा हूँ योगी जी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, केवल लाल टोपी वालों के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जो लाल टोपी वालों से उनको बहुत खतरा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, इनको जनता जवाब देगी कि जनता क्या चाहती है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। इनको 22 में पता चल जाएगा किस हिसाब से ये लोग गांव में वोट मांगने जाएंगे। अच्छा, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो, उसके साथ आपके क्षेत्र की क्षेत्रीय समस्याएं अपनी अलग होती हैं, तो इस बार किन मुद्दों के साथ, किन दावों के साथ लोगों के बीच में आप जा रहे हैं कि अगर 2022 में जनता आपको मौका देगी तो फिर क्या करेंगे आप अपनी विधानसभा के लिए? मैगलगंज और औरंगाबाद के बीच में हम लोग एक ब्लॉक बनवाने का काम करेंगे, जो वहाँ पे बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं, बड़ी समस्याएं हैं, वो ब्लॉक बनवाएंगे। मैगलगंज को नगर पंचायत और मितौली को नगर पंचायत और बेहजम इलाके में हम लोग एक विद्यालय, जो लखनऊ में लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वो मैं बेहजम इलाके में वो सुविधा देने का काम करेंगे, जिन बच्चों को लखनऊ दूर दूर जाना ना पड़े। आप कह रहे हैं भाजपा की लोकप्रियता घट रही है, योगी जी की रैली हो या मोदी जी की रैली हो, अपार भीड़ देखने को मिलती है, आपको नहीं लगता है कि अभी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, ये वोटर आपके आगे आने वाली बात की समस्या पर क्रिएट करेगा? उसमें सरकारी मशीनरी लगी है, सफाई कर्मी से लेकर DM तक लगातार बस लगा रहे हैं, सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। भीड़ अब आप ये मान लीजिए 4-4, 5-5 मंडल आज पूरे उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं से लेकर के, वो कहते हैं वो NGO से लेकर के जितने भी शाखाएं महिला हैं, जहां जहां महिला हैं, पुलिस विभाग से लेकर के, जब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तो भीड़ होगी। भीड़ आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ किसान, देखिए सरकार का अंग है, वो सिस्टम का अंग है, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ये मशीनरी का इस्तेमाल तो सदैव होता है, कोई नई बात नहीं रही है। नहीं नहीं, इतना कभी नहीं होता था जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी की भीड़ देख करके भाजपा के योगी जी बौखलाए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हम लोग मैदान में जाएँ। हमारी विधानसभा की बात करता हूँ, वर्तमान में विधायक जो हैं वो गुल्ली डंडा खेलें, काम उनको आता जाता नहीं है, किस तरीके से काम किया जाए, एक भी काम उन्होंने नहीं किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कहीं पे आपको वो काम दिखाई दे दे, आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होकर के उस काम का स्वागत करेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो योगी पर भरोसा जताया है, उन्होंने एक नारा दिया है यूपी प्लस योगी उपयोगी, ये नारा तो जो है और उनकी योगी के अंदर विश्वास को दिखा रहा है, लगता है कि जनता में लोकप्रियता बरकरार है उनकी। मोदी जी लगातार सभाएं कर रहे हैं, अगर योगी जी में दम होती तो प्रधानमंत्री जी को दौड़ना नहीं पड़ता। ये मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये समाजवादी पार्टी का जो जनसैलाब दिखाई देता है, इसमें योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मोदी जी को अब सामने ला करके चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हुई है और हम लोग 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, जो जनता हमारे साथ आज खड़ी हुई है। चुनाव नज़दीक होता है तो सबसे बड़ा संसद टिकट को लेकर होता है, अपनी दावेदारी को आप कितना मजबूत मानते हैं? हमारी दावेदारी 100% है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशों का पालन करूँगा, जो उनका आखिरी निर्णय होगा हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेंगे, इसके साथ में ये थे सुनील कुमार लाला, जिन्होंने 2012 में जो है विधायक बनकर 5 साल कसता विधानसभा के लोगों के साथ जुड़े रहे हैं और एक बार फिर 2022 में जनता के बीच में अपने वादों इरादों के साथ जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब 2022 के भी चुनाव में जनता इनके वादों और इरादों को कितना सरमौर लेती है। गोपाल गिरी, लखीमपुर पोस्ट।